फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको अस्तर वाले सूट की सिलाई बताऊंगी। इसके कटिंग के वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। हमने इसके कटिंग कैसे किया है, तो यहाँ आगे वाला पल्ला हमने लिया है, ये अस्तर है और ये आगे का पल्ला है, ये बाजू है। दूसरा वाला पल्ला हमने इधर रखा हुआ है, ये पीछे वाला पल्ला है। ये देखिए, ये पीछे का पल्ला है। तो पहले मैं आगे वाले पल्ले को कम्प्लीट करती हूँ कैसे करूँगी, और ये दूसरा वाला बाजू है। तो सबसे पहले हमें इसको लेना है, नीचे रखना है अस्तर ऐसे। उसके बाद हाफ हाफ इंच पकड़ते हुए पहले हमें इसको सिलाई लगाना है, इसके ऊपर इसको कैसे डाल के अटैच करेंगे। तो चलिए मशीन पे चलते हैं और इसको स्टिचिंग करना बताते हैं कि हम लाइनिंग वाली कुर्ती को आसानी से स्टिचिंग कैसे करेंगे। तो ये पहले हम सही तरीके से इसको बैठा लेते हैं यहाँ से, और हाफ हाफ इंच जो है उसी को मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। तो इसको पहले सही तरीके से बैठाते हैं। ये देखिए, ये जो है इसको हमें लाइनिंग को मिलाते हुए सिलाई लगाना है। तो इसको इस तरीके से अटैच करना है। तो ये अटैच हम कैसे करेंगे, तो चलिए मशीन पे चलते हैं और बताते हैं। मशीन पर आ चुके हैं, तो सबसे पहले क्या करना है, अस्तर को लेना है और ये नेक को ऐसे हाफ हाफ इंच पकड़ते हुए सिलाई लगा देना है। तो वो लगा देते हैं। ऐसे पहले सिलाई को लगाते जाना है। इस टाइप से इसके ऊपर हम मेन वाला फैब्रिक को रख के अब जॉइंट लगाएंगे। तो अब इसको लेना है और ऐसे मिलाते हुए इसको सिलाई लगा देना है, अटैच कर देना है। तो कर लेते हैं अटैच। अगर इस तरीके से रेडीमेड नेक बना रहे तो आपको इसी टाइप से इसको अटैच करना होता है। हल्का लूज करते हुए ये गला अच्छे से सेट हो गया। ये देखिए, अस्तर के साथ हमने इसको चिपका लिया। पीछे से भी देखिए, बहुत ही अच्छा चिपक गया है। अब पीछे का पल्ला रेडी करते हैं गला बनाकर। फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, पीछे वाला पल्ला का रेडी करना है अस्तर के साथ। ये नेक पे इस तरीके से लेंगे, दोनों को हमने अटैच कर लिया एक साथ, और हाफ हाफ इंच पकड़ते हुए सिलाई को लगा देंगे। तरीके से पूरा गोलाई में यहाँ हमने गले को अटैच कर लिया है। अब इसमें हमें छोटे छोटे कट्स लगानी हैं। ये इस तरीके से कट्स पूरे में लगाएंगे। तो हमने छोटे छोटे कट्स पूरे में लगा लिए। अब इसको पलटना है नेक को। तो देखिए, अस्तर को ऐसे लेना है अंदर की तरफ करके और नेक को पलट देना है। ये देखिए, अब इसको बराबर करके सेट कर दे रहे हैं।
देखिए बराबर हो गया, ये सेट हो गया। अब इसके ऊपर एक एक सिलाई लगा देते हैं। मैं सही तरीके से इसके ऊपर भी सिलाई लगा दिया है। अब ज्वाइंट कर लेते हैं शोल्डर की। तो ये पल्ला लेंगे और इसके ऊपर दूसरा वाला पल्ला ऐसे पलटते हुए डालेंगे। ये और हाफ हाफ इंच पकड़ते हुए सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से अस्तर वाले सूट की जॉइंटिंग कर लेंगे शोल्डर की। हमने दूसरा वाला शोल्डर भी जॉइंट कर लिया है। अब करेंगे फिटिंग। तो फ्रेंड्स अब फिटिंग करेंगे, इसका शेप देंगे। तो जहाँ पे मार्किंग है बस उसी साइड से आपको फिटिंग देना है। बराबर कर लेना है अच्छी तरीके से। ये देखिए अब इस तरीके से हाफ हाफ इंच डिस्टेंस पे एक एक सिलाई और लगाएंगे। कभी कभी लूज करने में दिक्कत होती है। साइड वाला ये निशान पे फिटिंग करते हैं। एक सिलाई इसके किनारे किनारे और लगाएंगे। दूसरा सिलाई भी हमने चला दिया। अब बनाएंगे चाक। तो चाक कैसे बनाएंगे वो देखिए, हम कैसे बनाएंगे वो देखिए। चाक बनाने के लिए हमें क्या करना है, इस तरीके से अंदर की तरफ पहले इधर बराबर कर लेते हैं, उसके बाद ऐसे हाफ इंच अंदर, फिर ऐसे लेते हुए फोल्ड करेंगे। पुट्टी में जैसे बनती है वैसे बनाएंगे। नीचे में इसमें लेस लगी हुई है और ये जो कोड होता है वो है, तो ये खुलती नहीं है तो इसको नहीं फोल्ड करेंगे। ये हमें यहाँ पे इस तरीके से सिलाई अच्छे से चलाना है। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सिलाई स्लो चलाएंगे। अब हम आगे साइड का दामन को उसी तरीके से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से पहले बराबर कर लेते हैं। ये देखिए ऐसे बराबर करेंगे और इसी तरीके से सिलाई को चलाते जाएंगे। बहुत इजी है। एक बराबर होना चाहिए, तो इधर हमने बराबर सही तरीके से रख लिया है। इसी तरीके से हम चाक बनाते हैं। ये देखिए तो ये चाक हमने बना लिया एक साइड का। अब इसी तरीके से दूसरे साइड का बनाएंगे। इस पे एक एक सिलाई और लगा लिए हैं। ये देखिए चाक बनकर रेडी हो गया एक साइड का। सेम इसी तरह दूसरे साइड बनाते हैं। तो दोनों साइड का चाक बना लिए, इधर का भी बना लिए, इधर का बना लिए। अब हम बाजू लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने बाजू लिया है एक
इस तरीके से अब इसको करेंगे फिटिंग। तो यहाँ से ऐसे लेना है और गोलाई में फिटिंग कर देना है, इस तरीके से लेंगे और यहाँ से फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। फिटिंग हमने कर लिया, अब इसको आर्म होल में अटैच कैसे करेंगे वो देखते हैं। मैं बाजू अटैच कैसे करेंगे, तो यहाँ से हमने आर्म होल लिया और ये हमने बाजू लिया। बाजू को यहाँ पे एक सेंटर में हम कट लगा लेंगे छोटू सा, तो यहाँ हमने छोटा सा कट लगाया है। उसके बाद अब आर्म होल में बाजू को ज्वाइंट करेंगे, तो इस तरीके से लेना है और पकड़ते हुए हाफ हाफ इंच ऐसे पूरे गोलाई में सिलाई को लगा देना है। तो वो लगा देते हैं यहाँ से, इस तरीके से गोलाई में सिलाई सिलाएंगे। पूरा गोलाई में बाजू लग गया है, अब इसकी पूरी फूल व्यू दिखाते हैं। यहाँ पे हमने सीधा कर लिया, देखिए कितना फिनिशिंग से बाजू हमारी एक लग गई। अब सेम इसी तरह दूसरा लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये दोनों बाजू कितना फिनिशिंग से मेरा बराबर लग गया है, क्वार्टर बाजू है। इस तरीके से इसका फुल व्यू दिखाती हूँ। तो इस तरीके से आप घर में इजीली लाइनिंग वाली सूट की कटिंग स्टिचिंग कर सकते हैं। तो मैं इजी मेथड में बताई हूँ। ये ग्रे कलर की है, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रही है। तो फ्रेंड्स आज की ये कुर्ती की स्टिचिंग पसंद आई हो तो करना है इस वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। कुछ पूछना है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में कीजिएगा कॉमेंट। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट कटिंग स्टिचिंग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।